तो आज की बड़ी खबर यही है कि जर्मनी दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बर्लिन में उनका शानदार स्वागत किया गया। बर्लिन पहुंचने के बाद पीएम मोदी जब होटल पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। एडलोन केम्फिंस्की होटल जब पहुंचे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से, तो उसके बाद वहां भारतीय समुदाय के लोग जो पहले से मौजूद थे, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए अभी तक की जो यात्रा है। वहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं चांसलर ओलाफ, और फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचते हैं तो एक छोटी सी बच्ची ने उनकी तस्वीर जब उन्हें गिफ्ट की तो उस पर अपने साइन प्रधानमंत्री ने किए, और किसी को निराश नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा इंतजार भी वहां पर लोग कर रहे थे। सबके साथ सेल्फी ली और फिर भारत माता की जय के नारे भी वहां लगने लगे। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? तो क्या टाइम बेटे आप साइन करवाने थे? फोटो निकाले बेटे आप? शिवम साउंड से फोटो निकाले। साइन कर दो। होटल एडलॉन केम्पिंस्की में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे उनका स्वागत करने के लिए चांसलर जब वहां पहुंचते हैं ओलाफ, उसके बाद सीधा होटल वो लोग जाते हैं। भारतीय समुदाय के लोग जो वहां पर मौजूद हैं और वो शानदार स्वागत करते हैं। पेंटिंग भेंट की जाती है जिस पर पीएम अपने साइन करते हैं, और एक बच्चे ने वहां गाना भी गाकर सुनाया। सबका मैं ही ले ले लो ले लो। वाह वाह बढ़िया। वहीं सिद्धांत सिब्बल जी न्यूज के सहयोगी, उन्होंने वहां लोगों से बात की है। हम आपको सुनाते हैं कितना उत्साह है वहां पर लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच गए हैं और एक लंबा दिन है। प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे जर्मन चांसलर से, पर भारतीय डायस्पोरा से भी मुलाकात करेंगे। आज सुबह जब बर्लिन पहुंचे तो स्वागत करा डायस्पोरा के मेंबर्स ने। आइए जानते हैं उनके व्यूज। हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और अभी जब वो अंदर आए थे तो हम में से कुछ 15-20 लोगों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचाया खड़े होके। उनका जो कनेक्ट है कम्युनिटी के साथ, उसका एक अपना महत्व है जिससे हमारे अंदर सही में एक ऊर्जा आ जाती है। हम प्रधानमंत्री को एक विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, और उनका यहाँ पे आगमन हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। आप बताएं कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री यहाँ बर्लिन में है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सुबह हम लोग 2-2.5 घंटे से उनका वेट कर रहे थे और वो आए, और गर्व हो रहा है कि हमने पहले उन्हें वेलकम किया है जर्मनी में। हमारी तरफ देख के उन्होंने वेव किया, एंड इट्स रियली गुड फीलिंग। आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए सर कि कैसे आप इस दौरे को आप देखते हैं प्रधानमंत्री के, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें चेंजेस हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जंग चल रही है, तो लाजमी ये भी एक बड़ा मसला होगा। बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे यूरोप में रह के जैसे हम लोग डायरेक्ट जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि फ्रंट एंड वॉरियर टाइप, हमारा ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे पहली इम्पैक्ट यहाँ पे आ रही है हमारे पास। तो उसमें जो मुझे ना अभी मोदी जी का जो मैंने पहली ग्लिम्स देखी तो मैं वही सोच रहा था कि जैसे पढ़ रहे थे तब माँ के हाथ के लड्डू आते हैं, वैसा फीलिंग मुझे आ रही थी कि चलो मेरे देश से प्रधानमंत्री हमें यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। और उसके साथ साथ जो आपने बोला जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कि यहाँ पे जो पोलैंड में जो इंडियन स्टूडेंट्स जो मेडिकल में पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे रेफ्यूज ले रहे थे, और इनको जिस हिसाब से जो एयर इंडिया ने या मोदी जी ने या उनकी अपनी इंडिया टीम ने जिस हिसाब से सेफली घर पहुंचाया, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि दुनिया में से कोई एयरलाइन कोई भी कंपनी वहां पे जब जाने को रेडी नहीं थी तब इंडिया इनिशिएट करता है कि चलो हम इंडियन स्टूडेंट्स को लेके आ जाएंगे। तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, एट द सेम टाइम बहुत ही सेफ्टी फील हो रही है। आपने स्वागत कैसे करा प्रधानमंत्री का, एक बार आप फिर से एक बार हमारे दर्शकों के लिए करके दिखा सके अगर तो। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप मुझे बताएं, आप इस पूरे दौरे को कैसे देखते हैं और प्रधानमंत्री से आप मिले, आपने देखा प्रधानमंत्री को, क्या आपकी फीलिंग है? फीलिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी है, उसको दोहरा नहीं सकते, बता नहीं सकते। और जैसे कि सबने बताया, सबने अपना अपना पक्ष रखा, स्टूडेंट होने के नाते कभी हमें वो एक डर महसूस नहीं हुआ, जिस तरह से यहाँ माहौल सब जगह ख़राब हो गया था, यूरोप में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे, घर वाले परेशान थे, लेकिन हमें वो डर नहीं था क्योंकि हमें पता था कि हमारे देश में हमारे नेता प्रधानमंत्री और सब लोग है, कि अगर यहाँ पे कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारी सहायता करेंगे, हमें बाहर निकालेंगे या सेफ रखेंगे। सो इसलिए हमें उस तरह से एक संतुष्टि है मन में। तो ये व्यू था डायस्पोरा का यहाँ बर्लिन में, और काफी एंथुजियास्टिक है डायस्पोरा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेके, जर्मनी दौरे को लेके, और फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से रिश्ते और अच्छे हो सके दोनों देशों के बीच इस दौरे की वजह से। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, बर्लिन, जर्मनी। और बर्लिन पहुंचते ही प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बर्लिन पहुंच चुका हूं, ये जानकारी दी है ट्वीट करके। आज चांसलर ओलाफ शॉल्स से बात करूंगा, साथ ही बिजनेस लीडर्स से भी मेरी बात होगी और एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और जर्मनी के बीच मित्रता को और बढ़ावा देगी। ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। वहां पर शानदार स्वागत के बाद आगे का जो कार्यक्रम है, एक तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये साझा किया है कि मैं बर्लिन पहुंच चुका हूं और अब एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित भी करूंगा और इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच मित्रता को और बढ़ावा मिलेगा, ये भी पीएम ने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधों पर असर ना पड़े, क्या मायने हैं पीएम के दौरे के, ये आपको समझना होगा। रूस के समर्थन पर यूरोप से दूरी ना बढ़े, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखना प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी में होगा। यूरोप के 3 देशों से संबंध और मजबूत होंगे, फ्रांस से सामरिक मदद में परेशानी ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर हैं और उनका जो ये दौरा है, इस साल का पहला विदेशी दौरा है एक तो प्रधानमंत्री का, 65 घंटे का ये दौरा कई मायनों में बहुत बहुत खास है, ऐसे समय में जहां पूरे विश्व की निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई हैं। रूस के लिए भारत का क्या स्टैंड है इस दौरे के दौरान, ये भी पूरा विश्व जानना चाहता है। हालांकि इस पर भारत का जो रुख रहा है बहुत न्यूट्रल रहा, लेकिन किसी भी समय पर खुलकर विरोध भारत ने रूस का नहीं किया, ये भी सच्चाई है, क्योंकि पुराने जो मित्रता वाले संबंध हैं उन्हें लेकर भी भारत अपनी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। मिशन यूरोप में क्यों ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। बर्लिन में जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात हुई है, जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां पर भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात है और द्विपक्षीय वार्ता वहां की पीएम के साथ प्रधानमंत्री की होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी बैठक होगी, एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज हुए हैं, इसलिए और भी ज्यादा इस के मायने खास हो जाते हैं जब वो फ्रांस जाएंगे। 25 कार्यक्रमों में कुल मिलाकर पीएम हिस्सा लेंगे और 8 बड़े लीडर्स हैं इस दौरान, इस 65 घंटों में, जिनसे पीएम की मुलाकात होनी है। पूरा जो भारतीय डेलीगेशन उनके साथ गया है वो वहां पर जो बर्लिन में डेलीगेशन मौजूद है उससे पूरी बातचीत आज होनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच आज खुलकर बातचीत होगी। कल डेनमार्क का दौरा है और फिर वहां पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले की तस्वीर है ये, लगभग 2 घंटे पहले की तस्वीर, जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, शानदार उनका स्वागत किया जाता है और फिर उसके बाद होटल पहुंचते ही उनका जो भारतीय समुदाय है इंतजार कर रहा था। और फिर देखिए वहां पर जैसा लोगों ने कहा भी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो, कि जब कोई अपने देश का कोई आता है तो वो खुशी मिलती है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री थे जिनसे आज रूबरू होने का मौका मिला है। इसी बीच एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।